वेलकम बैक, माय नेम इज महिमा। मैं आज आपके सामने ईवीएस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी, हर्ब्स और सर्व। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर्ब्स जिन्हें हम साग कहते हैं, तो फ्रेंड्स हर्ब्स यह अत्यंत ही कोमल तने वाला पौधा होता है। इसकी शाखाएँ नहीं होती, इसके जीवन काल बहुत ही कम और इसकी ऊँचाई 1 मीटर से भी कम होती है, जिसके अंतर्गत धनिया, पालक, सरसों इत्यादि पौधे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा, था कुछ एग्जांपल को दिखा के आपको बताना चाहूँगी हर्ब्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है धनिया, जिसकी शाखाएँ बहुत ही सॉफ्ट होती है और इन्हें हम खाते हैं, अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें कोई तना नहीं होता है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सरसों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सरसों का पौधा, ये भी बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होती है, अर्थात जिसे हम खाते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ और शाखाओं के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है साग, जिन्हें हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी शाखाएँ भी बहुत सॉफ्ट होती है और इसमें भी कोई तना नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्व्स के बारे में, जिसे हम झाड़ी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक मध्यम ऊंचाई वाला पौधा होता है, जिसका तना कठोर पर ज़्यादा मोटा नहीं होता, जैसे गुलाब का फूल का रौंदा।